आदाब से दोस्तों, एसपीएफ फिल्म प्रोडक्शन में आपका बहुत स्वागत है। मैं सुहेल कुरैशी, बॉलीवुड एक्टर एंड कोरियोग्राफर। आज आपको बताऊंगा एक फिल्म के बारे में। दोस्तों, जब कोई फिल्म बनती है तो उस फिल्म की या तो बहुत चर्चा होती है या वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, वो ऑडियंस के ऊपर होता है। दोस्तों, एक फिल्म बनी थी जिसकी आज भी चर्चा इतनी है कि मानो आज ही रिलीज हुई। दोस्तों, एक फिल्म बनी थी 30 साल पहले समथिंग, और आज भी उसकी चर्चा इतनी है जैसे कि आज ही रिलीज हुई। दोस्तों, उसका एक डायलॉग नहीं, दो डायलॉग नहीं, तीन डायलॉग नहीं, बल्कि उसके 70% डायलॉग ऐसे हैं कि अगर बंदा डायलॉग बोले तो फिल्म का नाम याद आ जाता है। आज सपोज कीजिए कोई फिल्म आती है और उस फिल्म में कोई डायलॉग हो तो हमें बताना पड़ता है कि मोस्टली कि ये उस फिल्म का डायलॉग है, जबकि वो हमारे सामने ही रिलीज हुई है, हमारे सामने ही बनी है और हमने देखी है। लेकिन आज से 30 साल पहले, 32 साल पहले फिल्म बनी थी और उसका कोई डायलॉग बोलो और रिमेम्बर हो जाता है वो कि वो उस फिल्म का डायलॉग है। शोले की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ दोस्तों, शोले फिल्म आप सभी जानते हैं, उसका एक एक डायलॉग ऐसा है कि आज भी सुपरहिट है। दोस्तों, जैसा कि आज ये जो किस्सा बताने का असल मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि इस फिल्म में क्या आप जानते हैं जो धर्मेंद्र के साथ जोड़ी होने वाली थी वो शत्रुघ्न सिन्हा की होने वाली थी, लेकिन उसमें आ गए अमिताभ। और अमिताभ कैसे आए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हुआ ये कि जब शोले फिल्म बन रही थी, जो रमेश सिप्पी थे इसको बना रहे थे, जो इसके डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, दोस्तों धर्मेंद्र उस वक्त एक बड़ा नाम थे और धर्मेंद्र का उस वक्त इंडस्ट्री में सिक्का चलता था और धर्मेंद्र एक बहुत बड़े स्टार थे और अमिताभ बच्चन उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे और शत्रुघ्न सिन्हा भी एक इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम थे। धर्मेंद्र के मुकाबले वो नहीं थे, लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में उनको लोग जानते थे और उनका अच्छा नाम था और काफी फिल्में आ चुकी थी। हालांकि अमिताभ बच्चन की भी फिल्में आ चुकी थी, लेकिन इतना फेमस नहीं थे जितना फेमस के धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र उस वक्त के सुपरस्टारों में से एक थे। तो जब रमेश सिप्पी ने शोले फिल्म बनाई तो उस वक्त धर्मेंद्र को सबसे पहले अप्रोच किया, लेकिन धर्मेंद्र के पास समय नहीं था, लेकिन वो शोले की स्टोरी सुन करके मना नहीं कर पाए। उसके बाद रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि इसमें आपके सामने हम किसे ले, तो धर्मेंद्र ने कह दिया जिसे आप अच्छा लग समझे उसे ले लें, कोई अच्छा एक्टर हो। क्योंकि धर्मेंद्र दोस्तों बता दूं आपको, 5-5 शिफ्टों में काम करते थे और 3-3 4-4 5-5 फिल्मों में वो एक्ट करते थे उस वक्त। तो जब ये फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई, तो नहीं सॉरी, उससे पहले ये फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा के लिए रमेश सिप्पी ने उनको बुलाया और उनको स्टोरी सुनाई। शत्रुघ्न सिन्हा थोड़े बिजी थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं हाँ करूंगा। तो रमेश सिप्पी जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे, उधर अमिताभ बच्चन भी स्ट्रगल कर रहे थे और अमिताभ बच्चन को पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है शोले, तो वो रमेश सिप्पी के पास गए और रमेश सिप्पी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि ये फिल्म आप मुझे दीजिए। तो रमेश सिप्पी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे हम ये फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा को सुना चुके हैं और वो हमें समय भी दे चुके हैं और हम इस फिल्म में उसको लेंगे। अब अमिताभ बच्चन ने सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन की फिल्म तो आ चुकी थी 2-3, लेकिन वो स्ट्रगल के उनके दौर थे। तो अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के पास पहुंचे और धर्मेंद्र को अपनी सारी स्थिति बताई। तो धर्मेंद्र ने जब स्थिति सुनी तो धर्मेंद्र ने तुरंत रमेश सिप्पी को फोन किया और कह दिया कि हाँ यार इसे ले लो फिल्म में और ये लड़का अच्छा भी है, नया है और अच्छा काम कर रहा है। तो जब धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी को फोन किया तो धर्मेंद्र की बात रमेश सिप्पी टाल नहीं पाए और उन्होंने अमिताभ बच्चन को डन कर दिया। अब अमिताभ बच्चन को एक फिल्म मिल चुकी थी। जब इस बात की भनक शत्रुघ्न सिन्हा को लगी तो उन्होंने रमेश सिप्पी को फोन लगाया कि भाई आप ये क्या हुआ, आप मुझे कह रहे थे और वो फिल्म ऐसे से आपने अमिताभ को दे दी। तो रमेश सिप्पी ने कहा कि इस फिल्म में आपको ही देना चाहता था, लेकिन धर्मेंद्र जी का मेरे पास फोन आ गया और उन्होंने रिकमेंड कर दिया मुझे अमिताभ के लिए। अब धर्मेंद्र जी की वजह से ये फिल्म अमिताभ बच्चन को दी जा रही है। अब शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन को छोड़ करके धर्मेंद्र सिंह के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्या पाजी आपने ऐसा क्या कर दिया, वो फिल्म मुझे मिलने वाली थी और आपने उसका नाम ले लिया। तो धर्मेंद्र ने कहा कि यार तेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है और उसके पास बेचारे के पास अभी काम नहीं है और उसे एक फिल्म करने दे, और कौन सी ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी जो वो बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा, करने दे उसको फिल्म। लेकिन शायद उस वक्त ना धर्मेंद्र जानते थे
ना अमिताभ बच्चन जानते थे और ना ही शत्रुघ्न सिन्हा जानते थे कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी। तो इस तरीके से धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को रोल के लिए ऑफर किया और रमेश सिप्पी ने उनकी बात ना टालते हुए उनको शोले फिल्म में जगह दे दी। अब जब फिल्म बनी और बनने के बाद में रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद में उसकी क्या स्थिति है आज आप भी जानते हो। आज समथिंग 32-35 साल हो गए हैं और आज भी वो फिल्म लोगों की जुबान पे चढ़ी हुई है। अगर देखा जाए कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन की लिए टर्निंग पॉइंट थी और टर्निंग पॉइंट दिलाया किसने, धर्मेंद्र ने। तो धर्मेंद्र का बहुत आभारी है अमिताभ बच्चन, कई शो में भी ये बात कह चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बात कई शो में कही है कि हाँ यार ये फिल्म मेरे लिए बड़ी साबित हो सकती थी अगर मैं इस फिल्म को ले लेता, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने उस वक्त इतना अफसोस इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी फिल्में थी, तो उन्होंने धर्मेंद्र पाजी से पूछ करके उसे खत्म कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये फिल्म एक ऐतिहासिक फिल्म हो जाएगी और जब भी ऐतिहासिक हिंदुस्तानी फिल्मों का जिक्र आएगा तो इस फिल्म का नाम जरूर आएगा। तो शत्रुघ्न सिन्हा, अभी एक दो साल पहले मैंने इंटरव्यू में कई बार उनके सुना था, उनको वो फिल्म उस वक्त छोड़ करके इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना अफसोस उनको आज होता है जब उस फिल्म की चर्चा होती है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, ये फिल्म एक सदाबहार फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। हाल ही में 4-5 साल पहले इस फिल्म का रीमेक बनने की बात हुई थी जिसको शोले 2 का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में सारी कास्ट ने, धर्मेंद्र ने, अमिताभ बच्चन ने, रमेश सिप्पी ने ये डिसाइड किया इसको राम गोपाल वर्मा बनाना चाहते थे शोले 2। लेकिन सबने ये डिसाइड किया कि शोले जो बन गई अब शोले 2 बन नहीं सकती, तो पहले राइट दे दिए गए थे, बाद में राम गोपाल वर्मा से राइट ले लिए गए। और मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छा हुआ, आपने फिल्म देखी होगी, फिर उसका नाम चेंज करके आग कर दिया गया था और वो फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। अगर शोले 2 आ जाती तो शोले 2 जो आ जाती तो उसका नाम फ्लॉप हो जाता। तो रमेश सिप्पी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का ये डिसीजन अच्छा रहा कि शोले बन ही रही और बन ही तक एंड हो गया और 2 नहीं बनने दी गई। तो दोस्तों ये थी कहानी कि किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा को मिलने वाला शोले में रोल अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र की वजह से मिल गया, और धर्मेंद्र तो स्टार थे ही और आज अमिताभ बच्चन भी बहुत बड़े स्टार हैं। तो दोस्तों ये था किस्सा बॉलीवुड फिल्म शोले में धर्मेंद्र की वजह से अमिताभ बच्चन को किस तरीके से रोल मिला और शत्रुघ्न सिन्हा का रोल कैसे कटा। ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही किस्सों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।